आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे शवाब पर पहुंच चुके हैं। 17 नवंबर को मतदान है। अपने मताधिकार का प्रयोग विधानसभा चुनाव में जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बुधवार 15 नवंबर को अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और रैली निकाली गई। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद पंजवानी के पक्ष में रैली निकाली गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिजा में धीरे धीरे ठंडक घुल रही है, पर सिवनी में उस तरह की गर्माहट, चुनावी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये कांग्रेस प्रत्याशी की रैली निकली। इसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक स्वामी की रिपोर्ट। इस पूरी रैली में एक बात जो विशेष देखने को मिली कि महिलाओं की तादाद इस रैली में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। लगातार ही चुनाव के अपडेट्स हम देते आए हैं। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के अनेक पूर्व प्रत्याशियों को भी, जो विधानसभा सिवनी के प्रत्याशी थे और चुनाव में विजयश्री का वरण नहीं कर पाए, उन्हें भी निगाहें लोगों की ढूंढती रही। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। निष्पक्ष, निर्भीक, बिना किसी दबाव, बिना किसी भेदभाव के मतदान अवश्य करें। मत देना आपका नैतिक दायित्व है। कार्यकर्ताओं का उत्साह भी रैली में जबरदस्त दिखाई दिया। 15 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कांग्रेस की ये रैली गुजरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, उत्साह से लवरेज दिखाई दिए कांग्रेस के कार्यकर्ता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस की रैली आपको दिखाई दे रही होगी। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कांग्रेस की रैली निकली और इस रैली में भारी तादाद में भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में भारतीय जनता पार्टी की भी हमने आपको इसके साथ ही जो अंतिम दिन की रैली और इसके साथ ही जो भी प्रत्याशी रैली निकाल रहा है, हमारा प्रयास है कि सभी प्रत्याशियों की रैलियों को या सभी प्रत्याशियों को बराबर ही स्थान प्रदान किया जाए, ये हमारी एक प्राथमिकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर ये रैली गुजरी। इस रैली में झंडे बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रहे थे। झंडों के साथ ही महिलाएं भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ दिखाई दे रही थी। व्यापारी वर्ग था, पर लोगों के बीच चर्चाएं इस बात की थी कि व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा इस रैली में व्यापारी वर्ग की सहभागिता नहीं हो पाई। जगह जगह लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर इस रैली का स्वागत किया गया। शाम 5 बजे 15 नवंबर बुधवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों को के पक्ष में मतदान करने की अपील आप शायद कर सकते हैं, पर प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार आप नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। वस्तुतः वो क्या निर्देश हैं ये आपको हम अभी यहाँ बताने जा रहे हैं। जो निर्देश शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं, उन निर्देशों को जनसंपर्क जिला जनसंपर्क ने बरघाट, लखनादौन और केवलारी में आज शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार, माफ कीजिएगा, 5 नहीं 6 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके अंतर्गत किसी भी स्थानीय केबल चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मतदान की अपील करना प्रतिबंधित रहेगा। अर्थात जो भी अपील करनी है वो शाम 6 बजे के पूर्व की जा सकती है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर जनसंपर्क अधिकारी सिवनी के द्वारा ये जानकारी दी गई है।
कांग्रेस की रैली आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ निकले हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में उनकी पत्नी, जो नगरपालिका परिषद की, इसके पूर्व में नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष पद की कांग्रेस से दावेदार रही हैं, वे भी आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस के बात की जाए तो सिवनी विधानसभा क्षेत्र सदा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा बार यहां पर विजयश्री का वर्ण किया 1951 में दादू महेंद्रनाथ सिंह कांग्रेस के यहां प्रत्याशी रहे और विजयी रहे। 1957 में महेंद्रनाथ सिंह पुनः विजयी हुए। इसके उपरांत 1962 में आरआरपी की राजकुमारी प्रभावती, वे यहां विजयी रही हैं। और 1967 में कांग्रेस के मोहन एम आर जटार, 1972 में कांग्रेस के नितेंद्र नाथ शील, ये यहां पर विजयी रहे हैं। नितेंद्र नाथ शील के बाद 1977 में कांग्रेस की प्रभा भार्गव, 1980 में कांग्रेस के अब्दुल रहमान फारूकी, 1985 में कांग्रेस के ही रमेश चंद्र जैन यहां विजयी रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद एक बार ही आरआरपी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं और उसके बाद 1990 में हरबंस सिंह यहां से चुनाव लड़े और हरबंस सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के महेश प्रसाद शुक्ला के द्वारा पराजित किया गया 1990 में। उनके पराजित होने के बाद कांग्रेस के हाथों से ये सीट चली गई। 1993 में महेश प्रसाद शुक्ला दोबारा विजयी हुई। 1998 में जब नरेश दिवाकर को युवा चेहरा थे, उन्हें टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वे विजयी हुए। 2003 में एक बार फिर नरेश दिवाकर विजयी हुए। 2008 में जब चुनाव हुए परिसीमन और पुनरारक्षण के बाद, सिवनी लोकसभा के अवसान के बाद, नीता पटेरिया जो यहाँ सांसद थी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दी गई और वे विधायक बनी। 2013 में पहली बार निर्दलीय विधायक सिवनी में बने और दिनेश राय मुनमुन निर्दलीय विधायक के बतौर सिवनी में 2013 में विजयी हुए। नरेश दिवाकर दूसरे नंबर पर थे और कांग्रेस के राजकुमार खुराना तीसरे स्थान पर थे 2013 के बाद। 2018 में दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और उन्हें विजयश्री का उनके द्वारा वर्ण किया गया। तो ये लिखा जोखा था सिवनी विधानसभा क्षेत्र का आज़ादी के बाद अब तक का। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो 5, 6, 7 बार कांग्रेस विजयी रही और भारतीय जनता पार्टी भी 7 बार विजयी रही और एक बार इंडिपेंडेंट, एक बार आरआरपी। ये है यहाँ की स्थिति। 2023 में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज, विभिन्न जगहों से होती हुई ये रैली गुजर रही है। एक बार फिर हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो चुनाव आयोग के निर्देश जिला जनसंपर्क अधिकारी के जरिए प्रसारित हुए हैं, उसके अनुसार, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार थम जाएगा। अर्थात 15 नवंबर, चूंकि 17 नवंबर को मतदान होना है, 17 नवंबर को मतदान के पूर्व 15 नवंबर को शाम 6 बजे प्रसार प्रचार थम जाएगा। इसके अंतर्गत किसी भी स्थानीय केबल चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मतदान अपील करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी के पक्ष में मतदान की अपील करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान करें, निर्भीक होकर करें, ये अपील करना प्रतिबंधित शायद नहीं है। निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर मतदान करें। शाम 6 बजे ये पूरा चुनाव प्रचार थम जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस की रैली यहाँ आप देख सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको दिखाई दे
दे रहा होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार ही आपको दिख रहे होंगे, झंडे भी कांग्रेस के यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।